Hey guys, this is Muskan Valvani, your educator, trainer, speaker, blogger and owning EduCreate, where talent meets excellence. So today EduCreate presents 19th talk show on the topic equal participation, peace, leadership and security. For this we have invited our special guest, which are first Golo Chhabra ji. She is a bachelor of home science and homemaker. Arvinder Kaur ji, she is the founder and active member of Gurmat Gurprasad Jitha. She is taking Punjabi and Kirtan classes till last 30 years. And she is a life advisor at Kotak Life. Third, Balbir Saini ji, she is a bachelor of science and a homemaker. And they are the founder of Biba Social Group. बीबा सोशल ग्रुप की शुरुआत 4 मार्च 2017 को सिख समाज की घरेलू महिलाओं द्वारा की गई। घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए सामाजिक एवं धार्मिक सेवाएं भी बखूबी निभा रही हैं। यह ग्रुप धार्मिक, सामाजिक, मेडिकल या शैक्षणिक सभी जगह अपनी यथाशक्ति सेवाएं देते हैं। इन कार्यों के लिए यह ग्रुप धनराशि नहीं लेता। ग्रुप द्वारा समय समय पर सेमिनार, जो कि सभी महिलाओं संबंधित होते हैं, त्योहार तथा पाठ कीर्तन भी मनाए तथा किए जाते हैं। धार्मिक सेवाओं में ग्रुप द्वारा लड़ीवार, सहज पाठ साहिब, जाप साहिब जी की सेवा सभी मेंबर करते हैं। ग्रुप द्वारा 111 सहज पाठ साहिब की सेवा सरबत के भले के लिए दिन रात सेवा की गई। जोड़ाघर तथा लंगर की सेवा भी सभी मेंबर्स बड़े उत्साह और मर्यादा से करते हैं। कोरोना काल में भी ग्रुप मेंबर्स ने घर रहकर भी सबको मोटिवेट करने के लिए वीडियो, न्यूज़पेपर, टीवी न्यूज़ द्वारा मैसेज भी किए। ज़रूरतमंदों को राशन, खाना, दवाई, हॉस्पिटल में एडमिट या और भी जो मदद चाहिए थी, कुछ संस्थाओं की मदद से यह सेवाएं की गई। इसके लिए सांसद श्री शंकर लालवानी जी ने भी सम्मानित किया। अब ग्रुप कुछ संस्थाओं से जुड़कर कोरोना में जिनके परिवार में जॉब का या इनकम का कोई साधन नहीं है, उनकी जॉब दिलवाने में भी मदद कर रहा है। इसके लिए ग्रुप को कुछ संस्थाएं भी सहयोग दे रही है। अब मैं चाहूंगी गोलो छाबरा जी, अरविंदर कौर जी तथा बलबीर सैनी जी से ये कार्यक्रम की शुरुआत एक शब्द गाकर करें। देह शिवा बर मोह एहे, शुभ कर मन ते कबहू न डरो, न डरो अर स्यो अर जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। बोले सो निहार। अब मैं चाहूंगी कि आप तीनों आज के विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। अब मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखूंगी जो कि हमारे दर्शकों द्वारा पूछे गए हैं। पहला, कुछ लोगों द्वारा माना जाता है कि महिलाओं को समान अधिकार हर क्षेत्र में नहीं देना चाहिए, जैसे कार्यालयों में औरतों को 40% तथा पुरुषों को 60% की प्रमुख श्रेणी में रखा गया है, तो महिलाओं को 10% से असमान क्यों किया गया है पुरुषों से? दोनों ही 50-50% क्यों नहीं हो सकते, या प्रमुख श्रेणी में दोनों को क्यों नहीं रखा जा सकता? ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, सुझाव दीजिए। स्त्री और पुरुषों दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। मेरे विचार से हमारा सिख समाज शिक्षित और काफी सुलझा हुआ है, काफी सुलझा हुआ है, शिक्षा पे काफी जोर देता है। सिख समाज में स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता है। इवन हमारे गुरुजी, जो हमारे फर्स्ट प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी, ऐसे 550 साल पहले ज्ञान दे गए थे कि सो क्यों बंदा आखिए जिस जन्मे राजान, मतलब स्त्री ने वो राजा जन्मे है, तो उनका सम्मान जरूरी है, तो उनको बराबर का अधिकार देना चाहिए। हम आपकी ये गुरु नानक देव जी की बात हमेशा याद रखेंगे और मैं चाहती हूँ ये आप सब भी याद रखें। इसी के साथ मेरा दूसरा प्रश्न, जैसे आपने बीबा ग्रुप में महिलाओं को एक लीडर बनकर प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को लीडरशिप क्वालिटीज कैसे लाई जाए उसके सुझाव दें। सबसे पहले तो बताऊँ, सब में लीडरशिप और सब में क्वालिटी तो होती ही है, पर जब उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें जज किया जा रहा है तो वो घबरा जाती है। तो हमें सबसे पहले उनको ये करना है कि आपको जज नहीं किया जा रहा, सब में कुछ ना कुछ कमी है, कोई परफेक्ट नहीं होता। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर आप देखना अपना बेस्ट टू बेस्ट देंगी। और सभी में, मेरे हिसाब से तो सभी में क्वालिटी है। आज हम भी इस फील्ड में निकले हैं तो हम भी कुछ थोड़ा हिम्मत करके निकले, हमें उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा कि
कि आप अपनी जो अंदर की क्वालिटी बाहर उनकी क्वालिटीज को बाहर निकालना पड़ेगा, हमारा एम यही रहेगा। तीसरा प्रश्न है, जैसे कि कुछ महिलाओं में देखा जाता है कि पारिवारिक स्थिति तथा अन्य परेशानियों की वजह से उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, उस मानसिक तनाव से वे उनका आत्मविश्वास खो देती हैं, तो ऐसे में उनके जीवन में शांति बनी रहे उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? इस चीज का हम लोग काफी खास ध्यान रखते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि देखिए हर लेडी हर जेंट्स के घर में कोई ना कोई दुख तो होता है, नानक दुखिया सब संसार, सबको कोई ना कोई दुख है। लेकिन जब हम लोग ये देखते हैं कि ये लेडी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है या बहुत ज्यादा परेशान है, तो जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो हम ऐसा एटमोसफियर क्रिएट कर देते हैं कि उसके अंदर की बच्ची निकल के बाहर आ जाती है और जस्ट लाइक फन हो जाती है। और उसके बाद भी अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं अभी इसको और जरूरत है, तो फिर हम उसको मेडिटेशन लाइक सिमरन से जोड़ते हैं, काउंसलिंग भी करवाते हैं। काउंसलिंग हम लोग टाइम टाइम पे बुलाते रहते हैं, साइकेट्रिस्ट आते हैं तो उनकी काउंसलिंग करते हैं। फिर हम जो मेडिटेशन मेन रास्ता ढूंढते हैं वो तो हम साबी के लिए एक रखा हुआ है कि सिमरन करें, तो उसके उसी मार्ग पे हम लोग चलते हुए। और इसके बाद तो वो इतनी फ्रेश हो जाती है कि बिल्कुल जैसे लगता ही कि कोई छोटी बच्ची ही रहेगी, और वो घर जाके भी वो बिल्कुल अपना ऐसे करती है और लगता है कि मैं कब अगली बार मिलूंगी आप लोगों से। तो हमारा ख्याल है कि इस फील्ड में तो हमें गॉड की तरफ से भी काफी सहायता मिल रही है और हम लोग काफी लेडीज को इस डिप्रेशन से बाहर ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आखिरी सवाल, कुछ महिलाएं अपनी जिंदगी बहुत आगे बढ़ाना चाहती हैं पर बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं पर पारिवारिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उन पर जो अत्याचार होते हैं उनसे वे अपनी सुरक्षा किस तरह करें? इसके लिए तो देखो ना, हर बढ़ना चाहती है पर हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से उनको परेशान किया जा रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत है तो फिर उनको समझाइश या अपने को जैसे वैसा सेमिनार कर लेते हैं नहीं तो फिर हम लोग महिला थाने से कनेक्टेड है उनको करवाते हैं। तो वो क्या करते हैं बिना एफआईआर दर्ज किए उनकी पूरी काउंसलिंग कराते हैं 2-3 बार। उनको लगता है कि ये बिल्कुल परेशान है तो वो उसका पूरा बकायदा साथ देते हैं। और अगर उनको इस बीच में लगता है कि उनका इनकम का भी कोई सोर्स नहीं है तो इनकम का सोर्स भी उनका कराया जाता है। और फिर जब ज्यादा अति हो जाती है तो फिर वो केस फायर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। पर हाँ, हम लोग पहले ये जरूर कोशिश करते हैं कि लेडी खुद अपना मुकाबला करे, क्योंकि अगर एक लेडी अपने आप को खुद आगे लाएगी और खुद हर फील्ड में आने की कोशिश करेगी मुकाबला करने की, तो मेरा ख्याल है कि ये वाली मुश्किलें काफी अपने आप कम हो जाएंगी। राइट्स पता होना चाहिए ना सबसे पहले, तो उसको राइट्स क्या है ये जब तक उसे नहीं पता होगा तो वो क्या लड़ेगी, क्या लड़ेगी कि वो क्या कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। हम लोग कोशिश करते हैं उसको अपने अंदर की जो शक्ति है वो बाहर लाए पहले, तो अपने आप को हर फील्ड में जाके फिर कई बार हमें लगता है कि ठीक है छोटी सी बात है ये इसने बड़ा बना दिया है, तो उसके लिए हो सकता है कि वो गलत हो तो फिर हम समझाई समझाई जाती है। कई बार जरूरी नहीं है कि सामने वाला ही गलत हो, और कई बार क्या होता है कि वो छोटी सी बातों को कई बार ना समझी से कई केस ऐसे जाते हैं तो उन्हें समझाया जाता है, रूटीन है क्योंकि हम लोग तो ये सब देख चुके हैं सब कुछ, तो ये भी समझाया जाता है। जब लगता है कि नहीं समझ पा रहा है या नहीं निपट पा रहा है फिर हम लोग महिला थाने से हम लोग मतलब एक लेडी का सर्वांगीण जिसे बोलते हैं विकास उस राह पे चलते हैं। ये ग्रुप बना ही इसीलिएगा क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ क्वालिटी है और कोई परेशान है तो यहाँ पे आके लगता है कि सब निकले इसके अंदर से सुख उसकी उस क्वालिटी को बाहर लाना होता। बहुत फर्क भी पड़ा है, बहुत फर्क भी पड़ा है। जो लेडीज कभी बात नहीं करती थी बात करने लग गई है, आज स्टेज पे आ रही है, आज स्टेज पे आके बोल रही है, जो कभी अपना बोल ही नहीं पाती थी वो आज स्टेज पे आके आप ये सोचोगे कहते ना कि जिस स्कूल में पढ़े उसी के हम टीचर बन गए, हमारे ग्रुप में ऐसा हो रहा है। माइक पे पाठ कर रही है, माइक पे आके कीर्तन कर रही है, ढोलकी बजा रही है, इवन डांस करने लग गई है। मतलब वहाँ पे जब हम जो कभी घर से बाहर निकली नहीं है वो वहाँ पे डांस डांस अरे कोई वो एज का भी नहीं है, कोई एज का वो 30 की नहीं है, 60 की भी वही एंजॉय कर रही है, 30 वाली 60 वाली मैच्योर बातें भी कर रही है। हमने बोला ना अंदर की बच्चियां बाहर आ जाती है हम लोग जब इकट्ठे होते हैं, तो हमको देख के आपको लग ही रहा होगा। और बहुत सुकून मिलता है, जैसे बहुत अच्छा लगता है, हम खुद फ्रेश होके आते हैं वहाँ से। जब हमारा सेमिनार होता है उसके बाद हम लोग खुद घर आते इतने फ्रेश होते कि लगता है कि हाँ कुछ करा अच्छा लगा। 2-3 घंटे हम भूल जाते हैं हम किस एज के हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्या बस कर रहे हैं, भाग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और अच्छा करें और अच्छा और उसको और अच्छा बनाए। तो आगे आप लोग और ऐसी क्या चीजें प्लान कर रहे हैं कि लाइक हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी हो? हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे सबसे पहले तो लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो, और जो ये लड़कियों का ही आजकल घर टूट रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं, उन्हें समझाइश दी जाए
और उन्हें सबसे पहले तो अपने पैरों पे खड़ा किया गया। पैरों पे अपने खड़े होंगे तो ये बाकी बातें तो भूल ही जाएंगी थोड़ा बहुत। और ये क्या होता है कि जैसे कि जिसको कोई हेल्प की जरूरत है वो नहीं बोल पाती है, कि फाइनेंशियली भी नहीं बोल पाती है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसे वो मदद भी करें जिसमें वो परफेक्ट है, सिलाई में है, कुकिंग में। हम चाहते हैं कि उसको अपन वो जॉब दें। हमारा मकसद यही ग्रुप बना है इसका कि ना हर फील्ड में लेडीज जहां जाना चाहती है, जैसे करना चाहती है, तो वो अपने घर को संभालते हुए एक मर्यादा में, पर हम चाहते हैं एक मर्यादित रूप में। और इसके साथ ही हम उसको उस गॉड से भी जोड़ते जाते हैं, अपनी गुरबाणी से जोड़ते हैं, पाठ करना सिखाते हैं, कीर्तन करना सिखाते हैं। हम लोग पंजाबी पाठशाला के खोला हुआ हमने, तो पंजाबी पाठशाला के अंडर में हम लोग पंजाबी सिखाते हैं, गुरमुखी सिखाते हैं। मतलब एक यहाँ से भी लेडी मेंटली कई लोग कैसे कि जैसे उन्हें हम जानबूझ के स्टेज पे बिठाते हैं कि आज गेम आप खिलाओगी, क्योंकि वो स्टेज पे बैठना बोले नहीं हम नहीं खिला पाएंगे, आप खिलाओ देखेंगे क्या होगा, देखेंगे कोई नहीं हंसेगा, खिलाओ आप। तो आप देखो कि हमारा 2 साल से हमारे मेंबर से ये सब कर रहे हैं। एक जो हम लोगों के यहाँ सबसे मेन है, हमारे साथ कोई जेंट्स या कोई मेल पावर नहीं है, हम सब फीमेल पावर है। और हमारे ग्रुप में वुमेन एम्पावरमेंट, और एक हमारे ग्रुप में शुरू से बोला गया है कि इस ग्रुप में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती, कोई सामाजिक चर्चा नहीं होती। और मुझे तो लगता है कि 5 साल हो गए हमारे ग्रुप को, ये 4 मार्च को 5 साल, 6 में हम लोग का रनिंग हमारा शुरू हो जाएगा। पर मतलब पहले दिन से ही करा गया और हमारे ग्रुप में इतना अच्छा है कि सभी मेंबर्स प्यार और उससे और पूरी मर्यादित रूप से, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक समान। एक ऐसे ड्रेस कोड रख देते हैं कि चलो आप इस बार ब्लू पहन के आना, तो किसी को यह लगे उसने लाल पहना है, उसने पीला पहना है, सब एक जैसे लगते हैं। आउटिंग भी कराते हैं उनको, बाहर भी ले जाते हैं, पाठ पूजा भी होती है, मस्ती भी होती है, और जैसे गुरुपुरब होते हैं उसमें प्रसादी की सेवा भी होती है, मतलब जोड़े की सेवा, प्रसादी की सेवा में हर गुरुपुरब पे जोड़े घर की सेवा, और सब इतने उत्साह से आती है और मस्ती भी है, मतलब एंजॉय करते, उसको कोई एक बंदिश मान के नहीं करते, एंजॉय करते हुए सेवा करती है सब। और देख लेते कि किस रूप में अभी इनको किस सेमिनार की जरूरत है। जैसे भी कोरोना हो गया था तो पोस्ट कोरोना क्या आएगा, ये लोग डर गए थे वैक्सीनेशन के लिए कैसे, ये सभी हम लोग करते पूरे। हम लोग घर बैठे भी हम लोग मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाए हमने, हम लोगों ने उनको मैसेज करी, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है कि हाथ कैसे धोए, तो उसमें भी हमने मूल मंत्र का जाप डाल दिया कि जितनी देर हाथ धोने मूल मंत्र के 30 सेकंड में, तो वाणी की वाणी जपना हो गया और इधर से उनको मोटिवेट किया गया। मतलब आप सोचो हम 2 साल से भी करनी, और हमने 2 साल में ये करा है, हमने इसमें कास्ट का कुछ नहीं रखा है। जो भी जरूरतमंद आया हमने उसके लिए जहाँ पे जैसे अपनी सभी संस्थाओं से हमने मदद ली है कि जैसे भाई ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए या इंजेक्शन चाहिए तो हम फोन करते थे कि आप ये करवा दो, आप ये करवा दो, तो हमें बहुत हेल्प भी मिली, सभी ने हमारी बहुत मदद करी। और सबसे बड़ी बात कि हमारे ग्रुप को बहुत प्यार मिलता है सभी दूर से। ऐसा नहीं है कि जैसे आप देखो सभी समाज में बहुत ग्रुप बाजी होती है कुछ, हमें सभी प्यार करते हैं, सभी हमें सम्मान देते हैं। अच्छा अभी बस सोशल ग्रुप से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो हमें बहुत खुशी होती है ये सब सुन के। एट लास्ट मैं सलाम करती हूँ आपके इन विचारों को और आपके इस जज्बे को जो आप इस उम्र में भी दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ने की राह दिखा रहे हैं, एक नई सोच दे रहे हैं। थैंक यू सो मच आप तीनों को, ये आप हमारे एजुकेट प्लेटफॉर्म पर आए और आपने अपने विचार व्यक्त किए। थैंक यू सो मच।